हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोमीज किचन। आज मैं आप लोगों को एगलेस चॉकलेट क्रीम केक बना के दिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, जो ये मैंने मेजरमेंट के कप के 2 कप ले लिया है, और कंडेंस्ड मिल्क है ये 395 ग्राम्स के है, और चाहिए हमें बेकिंग सोडा जो आधा टीस्पून से थोड़ा कम यूज़ करेंगे, और जो बेकिंग पाउडर है ये 1.5 टीस्पून यूज़ करेंगे, और वैनिला एसेंस ले लेंगे 1 टीस्पून, और ये जो पाउडर शुगर है ये मैंने आधा कप रखे हैं, और 2-4 टेबल स्पून कोको पाउडर रखे हैं, 1 कप बटर, मेल्टेड बटर रखे हैं, और 1 कप हमें ल्यूक वार्म मिल्क चाहिए। पहले हम कंडेंस मिल्क को डाल देंगे। अब कंडेंस मिल्क डाल दिए, इसमें बटर भी मिला देंगे। कंडेंस्ड मिल्क और बटर को मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें 1 कप वार्म मिल्क ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए दूध। मैं ये पाउडर शुगर डाल के और इसको भी मिक्स कर लेंगे। सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स कर लेंगे। तो मैदा में ये है बेकिंग सोडा, तो इसको आधा टीस्पून से थोड़ा कम डालेंगे। और इसको हम 1.5 टीस्पून डाल देंगे। और इसमें ये जो कोको पाउडर है 4 टेबल स्पून इसको ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को छान के और इस बैटर में डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें आप 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इसको पहले बैटर में मिला लेने से ज़्यादा अच्छा होता है, मैं भूल गई थी, तो अभी लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप वैनिला को अवॉइड भी कर सकते हैं चाहे तो, उसकी जगह पे आप कॉफ़ी पाउडर आधा टीस्पून मिला सकते हैं। इनको मैंने थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर दिया है और अब इसमें ये बैटर डाल देंगे। और ओवन को भी मैंने 180 में रख के 10 से 12 मिनट तक मैंने प्रीहीट कर लिया है, थोड़ा सा ऐसे बैटर को थोड़ा सा सेट होने के लिए थोड़ा टैप कर लेंगे। ओवन में बीच वाला सेक्शन में रख देंगे और 180 डिग्री पे इसे बेक होने देंगे। फोर्टी मिनट्स हो गए हैं तो केक बिल्कुल बेक हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल सूखा है, तो ये बन गया है। इसको अभी पूरा ठंडा होने के लिए रख देंगे। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम, पाउडर शुगर और ये है कोको पाउडर। एक सॉस पैन में पानी रख दिए है और इसमें उबाल आ गए हैं, तो ऊपर में एक कांच का पैन रख देंगे और इसमें 4 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल के और सिर्फ मिक्स होने के लिए जितना चाहिए उतना ही डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मेल्ट होने तक मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मेल्ट हो गए हैं
तो बस गैस ऑफ कर देंगे। एक बड़ा सा बोल में मैंने बर्फ़ के पानी रखे हैं और बर्फ़ रखे हैं और उसके ऊपर एक छोटा बोल रख दिया है और उसके ऊपर मैंने 1.5 कप क्रीम डाल दिए हैं। अब इसको बीटर से बीट करेंगे। क्रीम थोड़ा सा थिक हो गए हैं तो इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे। इसको बीट करेंगे फिर। इसमें ये चॉकलेट का लिक्विड ऐड कर देंगे। इसको बीट करेंगे। अच्छे से ठीक हो गए हैं तो आप बंद कर देंगे और नहीं बीट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से इसको निकाल देंगे, ऊपर से थोड़ा काट दिया है, अब बीच में से एक डिप काट देंगे। मैंने 2 हाफ कर लिए हैं। अब स्टैंड के ऊपर पहले एक पीस रख देंगे, इसके ऊपर खूब अच्छे से क्रीम लगा देंगे। एक पीस के ऊपर लगा दिया है और एक पीस ऊपर से रख देंगे, इसके ऊपर भी खूब अच्छे से क्रीम लगा देंगे। पूरा अच्छे से केक ठंडा होने के बाद तभी इसे करना है, ऐसे टॉपिंग तभी इसके ऊपर लगाना है। ऊपर से खूब अच्छे से क्रीम लगा दिया है मोटा लेयर में। अब थोड़ा सा स्मूथ करके इसको और फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के बाद, फिर इसको दोबारा डेकोरेट करेंगे। आधा घंटे के बाद निकल के थोड़ा सा और क्रीम से मैंने इसके ऊपर से कवर कर दिया है और अब ये सेट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये कोको पाउडर ले लेंगे और ऐसे स्ट्रेनर से हल्का 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 इसके ऊपर डाल देंगे। साइडों में भी हल्का लगा देंगे। क्रीम से ऊपर से डिजाइन बनाएंगे। अब नीचे भी एक एक लाइन से लेयर्स बना देंगे, ऊपर में भी टॉप में ऐसे फूलों की तरह बना देंगे।
पैन में भी एक बना देंगे। मेरे अब केक डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप इसे एक लाइक दीजिएगा, और मेरे आगे की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के जो रेड बटन दिख रहे हैं उसे प्रेस करते ही एक बेल बटन आते हैं, और बेल बटन को प्रेस करते जो मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं।